नमस्कार, आप सभी का रिणवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 17.6 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में अवर्गीकृत बारंबारता बटन से माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। अवर्गीकृत बारंबारता बटन से माध्यक ज्ञात करना, माध्यक यानी मीडियन ज्ञात करना। आज के वीडियो में अवर्गीकृत बारंबारता बटन से किस तरह से माध्यक ज्ञात किया जाता है वो सीखेंगे। बिल्कुल आसान है, थोड़ा ध्यान देना। इसमें तीन ही चरण हैं, तीन चरणों में अपने इसके अंदर माध्यक ज्ञात करेंगे और तीनों चरणों को आपको गौर से देखना है। पहला चरण क्या है कि जब भी आपको अवर्गीकृत बारंबारता का कोई बटन की कोई सारणी दी हुई हो तो उसके अंदर सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो संचयी बारंबारता सारणी बनानी है, संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनेगी अभी अपने बढ़ा के देखेंगे। संचयी बारंबारता को CF भी लिखते हैं और सबसे पहला काम आपका यही है कि उससे संचयी बारंबारता सारणी आपको बनानी है। जो भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है, जो बारंबारता बटन दी हुई है, उससे संचयी बारंबारता सारणी बनानी। सेकंड काम क्या है कि n/2 का मान निकालना है आपको, n/2 का मान ज्ञात करना है। ये n क्या है, इससे पहले का जो वीडियो जिसके अंदर अपने माध्यक ज्ञात किया था उसके अंदर n क्या था, पदों का संख्या, जो पदों की संख्या थी उसको n कहते हैं। चूंकि यहां अवर्गीकृत बारंबारता बटन में इसके साथ में बारंबारता साथ में दी होगी, चर के मान के साथ में बारंबारता साथ में दी होती है, इसलिए यहां जो n है वो क्या होगा, सिग्मा f, जो बारंबारताओं का योग है वो किसके बराबर होगा, n के बराबर। तीसरा काम आपको क्या करना है कि n/2 से ठीक अधिक, n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता, CF क्या है, संचयी बारंबारता, एक बार फिर देखिए, n/2 का जो मान ज्ञात करोगे उससे ठीक अधिक जो संचयी बारंबारता के, संचयी बारंबारता के पद के संगत चर का मान ही माध्यक होगा। जो चर का मान आएगा उसके संगत वही क्या होगा, माध्यक होगा। इसको शॉर्ट में आप इस तरह से समझ सकते हो, मान लेते हैं आपके पास जो चर के कोई दो मान दिए हुए हैं, 2 और 3, बारंबारता इनकी दी हुई है 4 और 3। तो यहां पर आप देखिए कि जो संचयी बारंबारता है वो कैसे ज्ञात करोगे, ये जो बारंबारता है उनका योग ही संचयी बारंबारता, यानी कि यहां से ऊपर ऊपर कितनी संचयी बारंबारता है, 4, फिर इसको इसके अंदर जोड़ते जाना, 4 और 3 7, तो ये हो गई संचयी बारंबारता। अब यहां जो n है, n का मान कितना है, 7, n का मान कितना है, 7 है, तो यहां पे देखिए n/7। अभी जो अपने तीनों चरण लिखे थे उसमें क्या बात की थी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, संचयी बारंबारता सारणी बनाएगी, तो ये दो मान आपको दिए होंगे, तीसरा संचयी बारंबारता का कॉलम आपको बनाना है, तो वो क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता सारणी। सेकंड बात आपने की थी कि n/2 का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां पे सबसे पहले n का मान कितना है, 4 और 3 7, n का मान कितना है, 4 और 3 7, तो सिग्मा एफ बराबर 7, यहां सिग्मा एफ किसके बराबर है, n के बराबर है। तीसरी बात क्या है कि n/2 से ठीक अधिक, अब आपको n/2 का मान निकालना है, तो देखिए n/2 यानी 7/2 कितना आ गया, 3.5। अब ये जो 3.5 है उसको संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आपको देखना है, देखिए n/2 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता के पद के संगत, तो 3.5 से ठीक अधिक क्या हुआ, 3.5 से अधिक वाला पद क्या है, 4 है,
तो यहाँ पर ये हो गया अपने संचयी बारंबारता वाला पद। उसके संगत जो चर का मान होगा, इसके सामने जो चर का मान होगा, यहाँ जो एक्स का मान है वही क्या कहलाता है, इसका माध्य कहलाता है। अतः माध्य कितना हो गया, दो। इस तरह से अपने इसके अंदर उत्तर निकालेंगे। तो चलिए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। देखिए एक प्रश्न दिया हुआ है कि 100 परिवारों में बच्चों की संख्या निम्न प्रकार है, इनका माध्य ज्ञात करें। तो इसमें आपको इस तरह से एक प्रश्न दिया हुआ है, एक बारंबारता बटन दी होती है। इस बारंबारता बटन के अंदर बच्चों की संख्या दी हुई है 0 से 6 तक, और परिवारों की संख्या दी हुई है 10, 35, 27, यानी कि 35 जो परिवार उसमें एक बच्चे हैं, इस तरह से आंकड़े दिए। अब आपको करना क्या है, तीन बातें याद रखनी है। सबसे पहले क्या करोगे, संचयी बारंबारता सारणी बनानी है। दूसरा काम क्या करना है, n/2 का मान निकालना है। और तीसरा क्या करेंगे, जो n/2 का मान आएगा वो संचयी बारंबारता में उससे ठीक अधिक वाला जो पद है उसके सामने जो चर का मान। तो यहाँ चर क्या होगा, देखिए बच्चों की संख्या को आप x और यहाँ परिवारों की संख्या ये बारंबारता f रखना है, और उसके सामने जो चर का मान होगा वही क्या होगा, माध्य। तो सबसे पहले आइए संचयी बारंबारता सारणी बनाते हैं। इसके अंदर एक नया कॉलम पड़ेगा CF का, संचयी बारंबारता। कैसे बनाते हैं, अभी आपने देख चुके हैं, बारंबारताओं को जोड़ते जाना है। इससे पहले देखिए जो F है परिवारों की संख्या वो कितनी अपने पास दी हुई है, 100 परिवार, यानी कि यहाँ तो सिग्मा F जिसको अपने यहाँ पे N भी कहते हैं उसका मान कितना है, 100 है। यदि आपके संचयी बारंबारता में अंत में यहाँ 100 आ जाता है तो आपकी टेबल क्या होगी, बिल्कुल सही है। और यदि ये योग यहाँ 100 नहीं आएगा, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं संचयी बारंबारता में गलती कर दी है। तो देखिए 10 का 10 लिखना है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो संचयी बारंबारता लिखी है इस कॉलम को, इसके बाद इसको जोड़कर ही यहाँ रखना है। 10 में 35 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 45। अब 45 में इस कॉलम को जोड़कर ही यहाँ पे लिखना है। 5 और 7 12, 4 2 6 1 7 72। अब 72 में 17 जोड़ दीजिए, 7 और 2 9, और 7 और 1 8। 89 में 6 जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 1 8 और 1 9। 95 में 3 जोड़ दीजिए, कितने हो गए, 98, और 98 में 2 जोड़ देंगे तो 100। यहाँ पे 100 आ गया, और अपना जो योग था सिग्मा एफ का वो भी कितना है, 100 है। इसका अर्थ है ये जो संचयी बारंबारता की जो सारणी है वो बिल्कुल सही बनी, पहला अपना चरण इसके अंदर पूरा होगा। अब दूसरा क्या लिखेंगे, क्योंकि n बराबर 100 है अतः अपने को n/2 का मान निकालना है। अतः n/2 बराबर n का मान 100 रख दीजिए, 100/2 कितना आ गया, 50। अब तीसरा काम क्या करना है कि जो n/2 का मान आता है उससे अधिक वाला पद इसके अंदर ढूंढना है, और उसके संगत जो पद होगा वही क्या होता है, माध्य होगा। तो यहाँ पर 50 से अधिक वाला पद कौन सा है, 72 है। 50 से अधिक वाला पद कौन सा है, 50 से ज्यादा संचयी बारंबारता 72 है। 72 के संगत जो चर क्या है, तो यही अपना क्या होगा, माध्य होगा। इसको लिख देते हैं, क्योंकि 50 से ठीक अधिक संचयी बारंबारता वाला पद कौन सा है, 72 है, 72 है, जिसके संगत चर का मान, इसके संगत चर का मान आपको देखना है कितना है, 2 है, 2 है, अतः माध्यक कितना हो गया, माध्यक यदि इसको कैपिटल M से लिखते हैं बराबर 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ए वर्गीकृत बारंबारता बटन के अंदर माध्यक ज्ञात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए।